नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में। अप्रैल मंगलवार का दिन है। चैत्र माह की के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और नक्षत्र है पुनर्वसु सुकमा नामक योग बन रहा है। अजीत मुहूर्त है। सुबह से दोपहर तक राहुकाल का समय। सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक राहुकाल के समय में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, विघ्न आ सकती है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए ठीक है। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी और साथ ही आज आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। हालांकि उन्नति के योग हैं। कोई व्यक्ति आज आपकी मदद सामने से आकर कर सकता है। धन आएगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्ति के योग भी है। और घर परिवार में कोई नया बदलाव मत कीजिएगा। वैसे तो इस समय यात्राओं को टाल दें तो अच्छा है। और दूसरा, कोई सुखद समाचार प्राप्त हो भी आपको नज़र आएगा तो इसमें परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है, निकट यात्रा है। और आज धन प्राप्ति पिता से होगा, पिता से सपोर्ट मिलेगा। बातचीत में संयम रखें। परिवार में सुख शांति आपकी हालांकि बनी रहेगी। वैसे तो आज के दिन इनकम भी बढ़िया है और सही मौका भी मिलेगा। स्वास्थ्य भी बढ़िया है। किसी करीबी के साथ रोमांचक समय बिता सकते हैं। और दूसरा, प्रेम जीवन अगर आप और आगे ले जाना चाहते हैं तो प्रस्ताव देते नज़र आएंगे। लव, आपको सामने से तो रिश्ता आज बढ़िया है, लेकिन आज यह दिन की शुरुआत ज़्यादा अच्छा रहेगा और धीरे धीरे करियर में ग्रोथ भी होगा और सुनहरे अवसर भी मिलेंगे। लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा और जल्दबाजी में किसी भी वस्तु की खरीदारी मत कीजिएगा। सुख सुविधाओं में जीवन हालांकि व्यतीत होगा, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन दिमाग शांत करके फैसला लेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। आज धन से संबंधित मामलों में ससुराल पक्ष से मदद मिलेगी, सुख साधन बढ़ेंगे। संपत्ति खरीदारी करने जा रहे हैं, लेकिन साइन बहुत सोच समझकर कीजिएगा और आसपास के ही लोगों से सावधान रहिएगा। जीवन साथी की सलाह पर अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको लाभ होने की संभावना ज़्यादा है। आज परिश्रम है और परिश्रम करना भी होगा। आप एक्टिव रहिए, शत्रु खुद ही परास्त हो जाएंगे। कोई शुभ समाचार मिलेगा जो आपके उत्साह को दुगुना चौगुना कर देगा। तो किसी भी तरह का विवाद से बचिए, चाहे घर हो बाहर हो। खासकर जो लोग नौकरी करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के योग हैं, जो मन को शांति देगा। और आज आर्थिक तंगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी धन का निवेश अगर करना चाहते हैं कहीं पर तो बहुत सोच समझ कर करिएगा। और आज आपको सफलता भी मिल रही है, खासकर जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पर खूब मेहनत करें। समय अनुकूल चल रहा है। कोई शुभ समाचार मिलेगा। व्यापार में नए सहयोगियों के कारण लाभ होगा। रोजी रोजगार की तलाश में हो सकता है घर से दूर जाए। और सामाजिक क्षेत्र में भी आप बढ़ चढ़ कर भागीदारी देंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा के योग भी हैं, लेकिन यात्रा जरा संभल कर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और आज शुभ रंग रहेगा। आपका सफ़ेद भाग्य साथ निभाएगा। प्रेजेंट भाग्य अंक 3 है। आज के दिन रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्ति के योग है। आपका उदार स्वभाव आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पल लेकर आएंगे। इन्जॉय करें। और छोटे बच्चे जो हैं घर में, उनके साथ समय बिताएं, उनको सही रास्ता दिखाएं। जीवन साथी के साथ जब आप होंगे तो उदास सी जिंदगी में भी बाहर आएगी। हालांकि लव लाइफ की बात करें तो अच्छा है। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस चीज़ों को सोचकर अपना समय बर्बाद ना करें, आगे बढ़े। धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं।